हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं और आप अपने चैनल को सिक्योर कैसे रख सकते हो। मैं आपको आज ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी हैं। आपको बहुत अच्छी आपको उस वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ भाई, इन पर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन अपनी ऑन कर लेनी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। उसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा आपकी जो जीमेल है उसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा या उसमें कोई अपना नंबर डालने की वहां पर कोशिश करेगा या कोई वहां पर रिकवरी मेल डालने की कोशिश करेगा, तो भाई आपका के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हमारी इस जीमेल में कोई छेड़छाड़ कर रहा है। आपके पास यस और नो दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपने यस कर दिया तो वो आपकी जीमेल को इजीली से एक्सेस कर लेगा, और अगर आपने नो कर दिया तो वो नहीं करेगा। और अगर जब आप यस करोगे, यस करने के बाद आपको वहां 3 नंबर दिखेंगे। अगर जो 3 नंबर में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर देते हो और बाय डिफॉल्ट वो सही होता है, तो भाई आपके जीमेल को कोई भी हैक कर सकता है। तो इसलिए आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। अब सेकंड क्या है वो जान लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूट्यूब पर चैनल बनाते हो तो आपके पास 3 जीमेल होनी चाहिए, 3 जीमेल अकाउंट आपके होने चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहते हो या यूट्यूब को एक अपना फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हो यूट्यूब को, तो भाई आपके पास 3 आपकी प्रोफेशनल जीमेल्स अकाउंट होने चाहिए। अब उनका कारण क्या है 3 का, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, जो हमारी जीमेल है वो आपके यूट्यूब से कनेक्ट होगी, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब से ही उसका मेन जो हमारा चैनल होगा वो उस पर ही लॉगिन आईडी वहाँ पर लॉगिन होगा, सिर्फ यूट्यूब पर वर्क करेगी, जो आपकी प्रोफेशनल जीमेल होगी। उसके बाद आपको दूसरी जीमेल बनानी है दूसरे नाम से या सेम नाम से, कोई इशू नहीं है, एक दो वर्ड चेंज कर देना, जो कि आपको रिकवर में डालनी है। मानने की बात है, पुरानी वीडियो जो आपने यूट्यूब पर जीमेल डाली हुई है और उसका पासवर्ड आप भूल जाते हो या कोई हैक करता है, तो उसमें आप वहां पर रिकवरी मेल डाल सकते हो, या जैसा आप पासवर्ड भूल जाते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, तो रिकवरी में आप उस जो दूसरी मेल जो मैंने आपको बताई वो वहाँ पर आपको डाल दोगे, तो वहाँ से आपका चैनल या आपकी जीमेल रिकवर हो जाएगी, या कोई डाटा आपका मिस हो रहा है वो भी वहाँ से आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी जीमेल क्या है वो सुन लीजिए। तीसरी जीमेल आपको स्पॉन्सरशिप के लिए रखनी है। जैसे आप अबाउट सेक्शन में जा करके आप वहाँ पर जो जीमेल दोगे ना, वहाँ पर वो आपको प्रोफेशनल्स अपने बिजनेस के लिए स्पॉन्सरशिप वाली एक मेल आपको एक नई क्रिएट कर लेनी है। अभी बहुत आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्या हम अब 1 नंबर से 3 जीमेल बना सकते हो। यस, आप 1 नंबर से 3 जीमेल अकाउंट बना सकते हो। अगर आपके पास 2 नंबर है तो भाई 2 नंबर से बना लीजिए, ठीक है। 2 जीमेल आईडी 1 नंबर से 1 जीमेल आईडी 1 नंबर से बना लीजिए। अगर आपके पास 2 अपने पर्सनल नंबर हैं नहीं है, तो आप 1 नंबर से भी 3 जीमेल आईडी आप बना सकते हो। तो नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया, पहली आईडी आपको जो अकाउंट में आपके कनेक्ट होगी, सेकेंड वन इज जो आपकी रिकवरी में होगी, एंड थर्ड वन इज जो आपकी प्रोफेशनल्स होगी, जो आपकी जिसपे आपके सारे के सारे स्पॉन्सरशिप के मेल आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरा पॉइंट की ओर, वो जान लीजिए वो क्या है। तीसरा जो पॉइंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी जो ये जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये क्या है, जैसा आप स्ट्रीट वाईफाई होते हैं, मतलब गली में जो वाईफाई लगे होते हैं, जो फ्री के वाईफाई होते हैं, या मेट्रोज सिटीज़ के अंदर, मतलब अलग अलग एरिया में, जैसा और भी काफ़ी प्रोवाइड करवा देती है सरकार या कोई और भी, मतलब जिसने कोई अपना पासवर्ड नहीं लगा के रखता, तो अगर आप वहाँ पर कोई वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो और अगर आप जीमेल वहां पर खोल लेते हो, तो भाई आपको आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके चैनल हैक होने के लिए। तो भाई इस चीज से बचना है आपको, कोई भी फ्री का वाईफाई नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको कोई भी स्ट्रीट, कोई भी गली में कोई भी वाईफाई यूज़, जो मतलब जिसको पब्लिक लोग यूज़ करते हैं, उसको आपको बिल्कुल भी अपने जीमेल वहाँ पर नहीं लॉगिन करनी है यूट्यूब वाली, और या कोई मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपको कहीं भी वाईफाई फ्री में मिलता है या किसी कैफ़े में मिलता है या होटल में मिलता है, आपको वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि भाई वो कोई कोई सिक्योर नहीं होती, वहाँ से आपको डाटा लीक होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं और अपने यूट्यूब पर हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो आपको वहाँ जब तो इजीली से कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा डाटा वहाँ पर थोड़ा बहुत, मतलब अगर चाहें तो वो हैक कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम और साइबर अटैक बहुत ज्यादा लेवल पे ये दोनों के दोनों क्राइम बढ़ चुके हैं, साइबर अटैक भी और साइबर क्राइम भी। ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा साइबर अटैक कब होता है, साइबर मतलब क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे बचा जा सकता है, वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अब ये मैंने थर्ड पॉइंट, अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट क्या है वो भी सुन लीजिए। अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाते हो, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपने अपना यूट्यूब वाला आईडी पासवर्ड मतलब आपने लॉगिन कर ली वहाँ पे अपनी आईडी, तो भाई जब तक आपको काम है उस मतलब जीमेल से, जब तक आपको काम है जब तक ही उसको वहाँ पर लॉगिन रखना, काम होते ही आपको तुरंत लॉगआउट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई कोई फ्रेंड भी बहुत हरामी होते हैं, वो भी मतलब आपकी जीमेल को हैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड लोग चाहते हैं कि भाई पास में तो है ही, कोई भी रिकवरी मेल आएगी तुरंत हम एक्सेस कर देंगे, यस कर देंगे, पूरा वो कर देंगे, मतलब जो पास में होते हैं ना कभी कभी वही आपके साथ धोखा कर देते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बचना है। ठीक है, हैक होने के भाई ये छोटे छोटे चांस, छोटे छोटे ही ऑप्शंस होते हैं जिनसे मतलब आपका चैनल हैक हो जाता है। ठीक है, अब मैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेके चलता हूँ जो कि 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अब वो सुन लीजिए क्या है, वो ये है आपको अनवांटेड एप्लीकेशंस पर कभी भी विजिट नहीं करना है। ठीक है, अनवांटेड एप्लीकेशंस क्या होती है अब मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कोई एप्लीकेशंस या कोई वेबसाइट पर आप विजिट करते हो, जैसा कि हाउ टू इंक्रीज अपने 100 सब्सक्राइबर्स या 10,000 सब्सक्राइबर्स या हम अपना वो टाइम कैसे कंप्लीट करें, ये मतलब एक अनवांटेड एप्लीकेशंस होती हैं, ये कोई फेक होती हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका चैनल हो सकता है। जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर लैंड करोगे तो भाई वो आपको कहीं और लैंड करा देगा, फिर मतलब वही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता रहेगा और आप नेक्स्ट पेज पर जाते रहोगे। जितने ही आप अंदर जाओगे उतनी आपको हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ टिकटॉक बैन क्यों हुआ था इंडिया के अंदर, क्यों के वो हमारा जो डाटा था वो लीक करने लगा था। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको क्लिप बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा जो हम कोई डाटा वहाँ से कॉपी करते हैं ना तो वो क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाता है, उसके बाद हम पेस्ट करते हैं तो जो सेव हो जाता है ना वो डाटा लीक कर रहा था हमारा टिकटॉक। तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में बैन हो गई थी सिर्फ इसी के कारण, क्योंकि वो हमारा डाटा लीक कर रहे थे। और लीक इस तरह से कर रहे थे कि मतलब जैसा हमें आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और आपका सारा का सारा, जैसा आप कभी कभी सोचते ही नहीं हो, जैसे कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो आप अलाउ 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 करते चले जाते हो, आपको ये नहीं देखते कि भाई क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, आप अलाउ करते चले जाते हो तो आपका सारा डाटा वहाँ पर चला जाता है। फिर वो आपसे बंदा कॉन्टैक्ट करता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है कि मेरे पास आपका सारा डाटा है, मुझे इतने लाख रुपये चाहिए या इतना पैसा चाहिए जब भी मैं आपकी फ़ोटो डिलीट करूँगा। तो ये सब मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो आपको बिल्कुल भी इन पर विश्वास नहीं करना है, आपको नहीं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के चक्कर में पड़ना है, आपको सिर्फ अपनी चैनल को सिक्योर कैसे रखना है वो मैंने आपको 5 तरीके बता दिए। भाई ये बेस्ट तरीके हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो शायद आप अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे 5 पॉइंट्स, ये 5 ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।